सेटेलाइट्स क्या होती है सेटेलाइट्स दो तरीके की होती है एक तो नेचुरल जो कुदरती होती है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारे सोलर सिस्टम में नैचुरल सेटेलाइट्स है नेचुरल सेटेलाइट्स वो सेटेलाइट्स का मतलब ही होता है कोई भी ऐसी चीज छोटी चीज जो किसी बड़ी चीज के इर्द गिर्द घूमती है फॉर एग्जाम्पल मून मून एक सैटेलाइट है क्योंकि ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है ओके okay? तो हमारे सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द एट प्लेनेट्स रिवॉल्व होते हैं एट प्लेनेट्स इर्द गिर्द घूमते हैं उनके अपने अपने पाथ पे जिस पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है सन क्या है सन एक बॉल जैसी है बहुत बड़ी बॉल बर्निंग गैसेस की यानी कि हमें ऐसा लग रहा है सन एक बॉल है जो जल रही है वो क्यों जल रही है क्योंकि उसमें गैसेस प्रेजेंट होते हैं इसीलिए हमें सन से क्या मिलती है जो भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं सभी प्लेनेट्स को क्या मिलती है सन से हीट एंड लाइट मिलती है सन खुद एक प्लेनेट नहीं है सन एक स्टार है ओके आपको याद रखना है कोई भी आपसे पूछेगा सन क्या है सन एक स्टार है और ये बाकी स्टार से डिफरेंट है प्लस ये हमें इतना बड़ा क्यों नज़र आता है क्योंकि सन एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के सबसे नज़दीक है इसीलिए हमें सन सबसे बड़ा दिखता है और जो सन के इर्द गिर्द एट प्लेनट्स रिवॉल्व होते हैं उनके नाम ये है टोटल okay? ये जो प्लैनेट्स है आठ प्लैनेट्स आते हैं और ये सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं प्लैनेट्स जो होते हैं वो रॉक्स मेटल्स और गैसेस के बने होते हैं यानी कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो पत्थरों के बने होते हैं और साथ साथ मेटल्स और गैसेस के भी बने होते हैं मेटल्स जैसे हम कॉपर गोल्ड आयरन वगैरह ये चीज़ें देखते हैं ये सारे मेटल्स होते हैं और इन मेटल्स के भी प्लानस बने होते हैं अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं यानी कि ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं लेकिन अब ये जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व कैसे करते हैं उनका एक अपना फिक्सड पाथ होता है यानी कि फिक्सड एक रास्ता होता है जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड और उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हर एक जो प्लैनेट होता है उसका अपना होता है, यानी कि अपना ऑर्बिट होता है और उसी ऑर्बिट में वो सन के इर्द गिर्द घूमता है अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है जिस तरीके से हम देखते हैं सन की अपनी लाइट होती है प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है अब हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं हर एक प्लैनेट का एक अपना सेटेलाइट होता है और सैटेलाइट आपको पता है एक ऐसी छोटी बॉडी जो एक बहुत ही बड़ी बॉडी यानी कि अपने से जो बड़ी बॉडी होगी उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी यानी कि उसके इर्द गिर्द घूमेगी तो उस चीज को हम सैटेलाइट बोलते हैं जैसे कि अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून तो मून जो है वो इस अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है और ये मून जो है ये इस अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट कहलाएगा इसी तरीके से जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने सैटेलाइट्स हैं अब हमारा जो ये सोलर सिस्टम है इसका सबसे पहला प्लैनेट मरकरी है तो मरकरी जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है यानी कि सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है और यही प्लैनेट यानी कि मरकरी जो है वो सन के सबसे करीब वाला प्लैनेट है तो इसलिए इसको नंबर वन पे रखा गया है यानी कि पहली पोजीशन पे रखा गया है हमारे सोलर सिस्टम में नेक्स्ट प्लैनेट जो आता है हमारे सोलर सिस्टम का वो आता है वीनस वीनस जो है वो सेकेंड प्लानट है सन से पहला प्लानट मरकरी है और सेकेंड प्लानट जो है वो है वीनस वीनस जो है वो सारे बाकी जो प्लानट्स है उनमें सबसे ब्राइटेस्ट है यानी कि सबसे ज्यादा चमकने वाला है उसके बाद हमारा जो तीसरा प्लानट आता है वो आता है अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी पे हम रहते हैं और ये जो अर्थ है ये हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा इकलौता प्लानट है यानी कि एक ऐसा वाद प्लानट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है और ये लाइफ जो है वो कैसे पॉसिबल है इस अर्थ पे क्योंकि यहाँ पे पानी और हवा पाई जाती है तो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से अर्थ पे जो है वो लाइफ पॉसिबल है यानी कि यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को देख सकते हैं बाकी कोई ऐसा भी प्लानट नहीं है जहाँ पे हम लाइफ देख सकते हैं और ये जो अर्थ है इसका एक अपना सेटेलाइट भी है और वो सेटेलाइट कौन सा है वो है मून तो ये मून जो है ये इसी अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है नेक्स्ट प्लानट जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो है मार्स और जो मार्स है वो भी एक छोटा सा ही प्लैनेट है और इस प्लानट को हम रेड प्लानट के नाम से भी जानते हैं और ये जो मार्स का प्लानट है ये हमारे सोलर सिस्टम में फोर्थ पोजीशन पे है तो फिफ्थ जो प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो है जुपिटर तो बच्चों जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है और जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा वाहिद प्लेनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्लानट आता है वो आता है प्लानट सैटर्न सैटर्न जो है ये हमारे प्लानट का सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट है जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लानट है यानी कि पहले नंबर पे जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्लानट है वो जुपिटर है और सैटर्न जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट है अब ये जो सैटर्न का प्लानट है ये फेमस है किस वजह से फेमस है क्योंकि इस प्लानट के इर्द गिर्द रिंग्स होती है तो ये अपनी रिंग्स की वजह से फेमस है उसके बाद जो सेवेंथ प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का वो है यूरानस उसके बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का एट्थ एंड लास्ट प्लानट और वो है नेपट्ट्यून अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटेलिट्स तो सेटेलाइट्स जो होते हैं ये प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं यानी कि हर एक सेटेलाइट जो होता है वो अपने प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है जैसा कि प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है सैटेलाइट्स में भी अपनी लाइट नहीं होती है बल्कि वो क्या करते हैं वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं यानी कि सन की लाइट इन सैटेलाइट्स पे पड़ती है और ये सैटेलाइट्स जो है वो उसी सन की लाइट को फोर फिर रिफ्लेक्ट करते हैं जैसा कि हमने अर्थ जो है उसका एक अपना सेटेलाइट होता है वो कौन सा सेटेलाइट है वो है मून हम शाम को देखते हैं ना आसमान में मून जो होता है वो चमक रहा होता है तो कैसे चमक रहा होता है सैटेलाइट की अपनी लाइट तो नहीं होती है ये मून जो है इस पे जब सन की लाइट पड़ती है तो ये चमक उठता है यानी कि ये रिफ्लेक्ट करता है उसी लाइट को जैसा कि हम सबको पता है अर्थ इज़ आर होम अर्थ क्या है हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं ये अर्थ बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है रॉक्स मेटल्स लैंड वाटर और ज्यादातर जो अर्थ की सरफेस हैं वो किस है? से कवर्ड है वाटर से मोर देन सेवेंटी परसेंट हमें अर्थ में क्या मिलता है वाटर और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ओशंस ओशंस के अलावा जो लैंड मासस है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स तो हमारे पास फाइव ओशंस हैं और सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं फाइव ओशंस पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन आर्टिक ओशन एंटार्टिक और साधर्न ओशन एंड इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है इट इज द लार्जेस्ट ओशन ठीक और आर्टिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है इंडियन ओशन इंडिया के साउथ साइड से है ठीक और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका यूरोप ऑस्ट्रेलिया एशिया एंटार्टिका एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दो कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दो कॉन्टिनेंट्स को एक कैनल ज्वाइन करता है उस कैनल का क्या नाम है पनामा कैनल यह कैनल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है नाउ मूमेंट्स ऑफ द अर्थ हमारी अर्थ दो तरीके की मूवमेंट्स करती है रोटेशन एंड रेवल्यूशन इन दो मोमेंट्स की वजह से दो तरीके की चीजें हो जाती हैं एक तो डेज एंड नाइट्स हो जाती है और हमारे जो सीज़न्स हैं वो बदलते हैं पहले हम देखेंगे रोटेशन अर्थ रोटेट होती है अपनी ही एक्सेस पे द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस इज कॉल्ड रोटेशन यानी कि ये अपनी ही एक्सेस पे रोटेट होती है बिल्कुल एक टॉप की तरह इट मीन्स ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द रोटेट नहीं होती है ये स्पिन होती है अपने ही एक्सेस पे राउंड एंड राउंड बिल्कुल एक टॉप की तरह जिसे हम रोटेशन बोलते हैं और ये अर्थ कहाँ से रोटेट होती है वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट और इस रोटेशन की वजह से डेज एंड नाइट्स होते हैं अर्थ का वो साइड जो सन को फेस करे उस पार्ट में हमें क्या मिलता है डे टाइम और वो साइड जो सन से दूर होगा जहाँ की ओर सनलाइट नहीं पड़ेगी उस पार्ट में हमें क्या मिलेगी आ, उस पार्ट में हमें नाइट टाइम मिलेगा तभी क्या होता है कुछ हिस्सों में डे टाइम होता है और वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज में नाइट टाइम होता है जब कुछ कंट्रीज में डे टाइम होता है यानी एक ही टाइम पे हर जगह डे टाइम नहीं होता है अगर यहाँ पे इंडिया में डे टाइम होगा तो अमेरिका में नाइट टाइम होगा इसीलिए टाइम वेरी होता है किस किसकी वजह से रोटेशन की वजह से नाउ रेवोल्यूशन अर्थ की जो मूवमेंट है सन के इर्द गिर्द उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन फिक्स्ड ऑर्बिट से मेरा मतलब है एक ही पाथ से यानी कि हर टाइम पे जब अर्थ रिवॉल्व होती है सन के इर्द गिर्द वो एक ही पाथ से रिवॉल्व होती है जिसको हम फिक्स्ड पाथ बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं रेवोल्यूशन समझने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है एक साइड पे जब ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है टिल्टेड से मेरा मतलब है थोड़ी सी बेंड है वहाँ पे जैसे एक टॉप होता है जब हम टॉप को रोकते हैं जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कैसी इसकी शेप बनती है बिल्कुल इसी तरीके में हमारी अर्थ टिल्टेड है इससे क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हमारी अर्थ में कुछ पार्ट्स सन के क्लोज होते हैं कुछ पार्ट्स सन के दूर होते हैं तो वो पार्ट्स जो सन के नज़दीक होते हैं वहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादा हीट आ, मिलती है यानी कि वो डायरेक्टली सन के अंडर आते हैं इसलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा हीट सन से मिलती है तो उस पार्ट में उस टाइम पे क्या होगा समर सीज़न ऐसे ही वो पार्ट्स जो उस टाइम पे सन से दूर होंगे उतना क्लोज नहीं होंगे सन के वहाँ से हमें उस टाइम में कोई और सीजन मिलता है विंटर हो सकता है या फिर कोई और सीजन स्प्रिंग हो सकता है मॉनसून, ऑटम ओके तो ये थी दो मोमेंट्स अर्थ की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आई होप दिस इज क्लियर दिस इज इट फॉर द डे टेक केयर अल्लाह हाफिज़